आज गालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश था और वो खुशी खुशी से वापिस अपने घर आ रहा था, क्योंकि गालू कौवे को तो बहुत ही अरसे के बाद विदेश से आज छुट्टी मिली थी। इसलिए गालू भी अपने बेटे जग्गू के लिए आते हुए कुछ तोहफे भी खरीद कर लेकर आ रहा था। उधर जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों के साथ नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू, किकी और कुकू, वो तीनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ ऐसे ही वहाँ पर बातें कर रहे थे। तभी जग्गू अपने दोस्तों से ये कहता है, अरे दोस्तों, आज मेरे पापा आने वाले हैं। मेरे पापा विदेश से आज वापस घर आने वाले हैं। मेरी मम्मा ने कहा है कि मेरे पापा आते हुए मेरे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे। वाह जग्गू, क्या कौन सा गिफ्ट लेकर आएंगे तुम्हारे पापा? अरे कुकू, मैंने अपने पापा को कहा है कि मेरे लिए आते हुए खिलौने भी लेकर आना और साथ ही साथ खाने के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी भी। वाह, इसका मतलब कि तुम्हारे पापा तो आज तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ लेकर आएंगे। हाँ हाँ क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ लेते हैं और आज देख लेना, मेरे लिए बहुत कुछ आएगा। तभी फिर ऐसे ही कुकू, किकी और जग्गू वो तीनों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ कुछ देर बिता देते हैं। फिर वहाँ से उड़ते हुए वो तीनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसे ही जाकर कुकू अपने घर में अपनी मम्मा सुंदरी चिड़िया को बताता है, मम्मा आज कालू अंकल आने वाले हैं। मुझे जग्गू ने बताया है कि कालू अंकल उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाएंगे। अच्छा, तो मेरे बेटे, जब तुम्हारे पापा भी वापस आएंगे तो मैं भी उन्हें कहूँगी कि तुम भी अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आना। हाँ मम्मा, और पापा को कहना कि मेरे लिए आते हुए गुड़िया लाना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँगी। आप दोनों ऐसा करो कि जल्दी से हाथ मुँह धोकर खाना खा लो, मैंने तुम दोनों के लिए खाना लगा दिया है। तभी फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही कालू कौवा भी वापस अपने घर पहुँच जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। पापा पापा बताओ क्या लेकर आए हो मेरे लिए? जग्गू बेटे, मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ, खिलौने भी और खाने के लिए चीज़ें भी। आप तुम थोड़ी देर मुझे आराम कर लेने दो, मैं फिर सब कुछ अपने बेटे को दिखाऊंगा। नहीं नहीं पापा, मुझे अभी दिखाओ, मैंने अभी देखना है। अच्छा तो गौरी, ये लो ये हैं इसमें बॉक्स, और तुम ऐसा करो इसमें से निकाल कर अपने बेटे जग्गू को सब कुछ दिखा दो। तभी फिर गौरी कवि ऐसा करती है, वो तो कालू कौवे का बॉक्स खोलती है और उसमें से जितने भी जग्गू के लिए खिलौने और खाने की चीज़ें थी वो सारी की सारी जग्गू देखता है। सब कुछ देखने के बाद जग्गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह रे वाह, मेरे लिए तो कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाए हैं पापा, और ये क्या है? अरे जग्गू बेटे, ये बर्गर है, मैं अपने बेटे के लिए ये बर्गर लेकर आया हूँ। शहर वाले जंगल में इसको लोग बहुत ही खुशी के साथ खाते हैं। अच्छा तो मामा, ये खाया कैसे जाता है, आप बताएं मुझे। कालू, मैंने भी इसे पहली बार देखा है, इससे पहले तो मैंने इसे देखा नहीं। अरे पागलो, ये बर्गर होता है, आप लोगों ने कभी खाया हो तो इसलिए आपको पता हो, आपने कभी खाया ही नहीं। तभी फिर गौरी कभी ऐसा करती है, वो अपने बेटे जग्गू से ये कहती है कि वो अभी बर्गर को ना खाए, वो ऐसा करे कि सुबह अपने दोस्तों के सामने जाकर बर्गर खाए और उनको ये जलसी करवाए कि उनके पापा ने उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और खाने के लिए बर्गर्स भी लाए हैं। तभी फिर ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो जग्गू ऐसा करता है, वो आज फिर अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए चला जाता है और वो साथ ही साथ आज बर्गर भी लेकर जाता है। कुकू और किकी जब देखते हैं कि जग्गू के हाथ में तो एक बर्गर है, वो जल्दी से जग्गू से ये कहते हैं, जग्गू ये क्या है, ये कौन सी चीज़ पकड़ी हुई है तुमने? अरे ये बर्गर है, मेरे पापा मेरे लिए ये बर्गर लेकर आए हैं। जग्गू दोस्त, बर्गर क्या होता है? तभी फिर जग्गू ऐसा करता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि बर्गर बहुत ही मज़ेदार फूड है जो कि शहर वाले जंगल में बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। अच्छा तो प्लीज़ जग्गू, ऐसा करो कि थोड़ा सा हमें भी दिखा दो, हम भी इस बर्गर को चेक करना चाहते हैं कि ये बर्गर कैसा है। जग्गू तो बहुत ज़्यादा शैतान था और बहुत ज़्यादा कंजूस भी, वो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं देता। नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो इसे केला ही खाऊंगा।
फिर ऐसे ही जग्गू अपने दोस्तों के सामने बैठकर वो बर्गर खा लेता है। कुकू और किकी वो दोनों तो जग्गू का मुंह देखते रह जाते हैं। तभी फिर ऐसे ही जब कुकू वापिस अपने घर जाता है तो वह जाकर अपनी मम्मा सुंदरी चिड़िया से कहता है, मम्मा मुझे बर्गर लेकर दें, मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग बर्गर लेकर दें। अरे कुकू बेटे क्या हुआ है, खामोश हो जाओ तुम। नहीं नहीं मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे भी आप लोग बर्गर लेकर दें। मम्मा ये कुकू भाई क्या कह रहे हैं, ये बर्गर क्या होता है। गुड़िया बेटी बर्गर, बर्गर तो बहुत ही शहर वाले पक्षी खाते हैं, ये ज़्यादातर शहर वाले जंगल में होता है, अब ये तो यहाँ पर मिलता नहीं। मम्मा प्लीज़ आप ऐसा करें कि हमें भी बर्गर ला दें, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसा होता है। अच्छा अच्छा अब खामोश हो जाओ, मैं सुबह अपने बच्चों के लिए बर्गर लेकर आऊँगी। सुबह मैंने वैसे भी शहर वाले जंगल में जाना है, और आते हुए मैं अपने बच्चों के लिए बर्गर ले आऊँगी। उधर जग्गू भी घर जाकर अपनी मम्मा गोरी कवि और अपने पापा कालू कवि को बता रहा था कि उसने तो वो बर्गर अपने दोस्तों के सामने किया और उन्हें बहुत ज़्यादा जलसी करवाई है। शाबाश जग्गू बेटे ऐसा ही करना है, तुमने उन्हें खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं देनी। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुंदरी चिड़िया ऐसा करती है, वो अपने बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए घर से पैसे लेकर उड़ती हुई सीधा शहर वाले जंगल में जा रही थी। जैसे ही गोरी कवि देखती है कि सुंदरी चिड़िया तो उड़ती हुई जा रही है, वो ऐसा करती है वो रास्ते में ही सुंदरी चिड़िया को रोक लेती है। रुको रुको छोटी चिड़िया कहाँ पर जा रही हो। अरे गोरी बहन मैं अपने बेटे कुकू के लिए और अपनी बेटी गुड़िया के लिए शहर वाले जंगल से बर्गर लेने जा रही हूँ। जैसे ही गोरी कवि ये बात सुनती है तो गोरी कवि तो वहाँ पर ही जेलस हो जाती है। वो तो चाहती थी कि जो चीज़ मैं खाऊं वो जंगल का कोई भी पक्षी ना खाए। वो फिर ऐसा करती है, अरे चिड़िया मेरे वो पैसे दो, मेरे जो तुमने पैसे देने थे। गोरी बहन झूठ क्यों बोलती हो, मैंने आपको पैसे दे दिए थे, आपको याद नहीं है क्या। जैसे ही सुंदरी चिड़िया ये बात करती है तो गोरी कभी भी आगे से उल्टा सुंदरी चिड़िया को डरा धमका देती है, और ऐसा करती है कि सुंदरी चिड़िया के पास जो पैसे थे वो सभी के सभी छीन लेती है। चिड़िया तो गोरी का मुंह देखती रह जाती है। ऐसे ही गोरी कभी पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया पीछे से आवाज़ें ही लगाती रहती है, मगर गोरी वो कहाँ सुनने वाली थी। ये सब कुछ तो साथ ही एक जादुई पेड़ लगा हुआ था जो कि सब कुछ देख रहा था। वो फिर चिड़िया से कहता है, अरे अरे छोटी चिड़िया क्या हुआ है तुम्हें, मैंने तुम्हें सब कुछ देख लिया है, इधर आओ मेरी तरफ, बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें। फिर जब चिड़िया उस पेड़ की आवाज़ सुनती है तो चिड़िया भी पहले तो हैरान रह जाती है, फिर पेड़ सारी की सारी बात सुंदरी चिड़िया को बताता है कि मैं एक मैजिक पेड़ हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वो जाकर सारी की सारी बात उस पेड़ को बताती है। पेड़ भी मैजिक पेड़ था, वो ऐसा करता है कि सुंदरी चिड़िया को फिर बहुत ही अच्छे अच्छे और चिकन बर्गर देता है। लो चिड़िया ये लो, ये तुम ले जाओ और जाकर अपने बच्चों को ये बर्गर दे देना। सुंदरी चिड़िया बर्गर को देकर खुश हो जाती है। फिर वो ऐसा करती है कि उन बर्गर को लेकर उड़ती हुई सीधा वापस अपने घर चली जाती है और वो जाकर अपने बच्चों को देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जाते हैं। हर रोज चिड़िया तो उस पेड़ के पास जाती और उस पेड़ से जाकर अच्छे अच्छे भोजन लेकर आती। होता कुछ यूँ है कि एक दिन ये बात गोरी कवि और कालू कवे को भी पता चल जाती है। गोरी जाओ जाओ तुम भी जाओ वहाँ पर और जाकर उस पेड़ से मेरे लिए भी एक पिज़्ज़ा लेकर आओ, मुझे पिज़्ज़ा का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। अच्छा कालू जी मैं जाती हूँ और जाकर मैं उस पेड़ से पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ। तभी फिर उड़ती हुई गोरी कवि सीधा आज उस मैजिक पेड़ के पास पहुँच जाती है और वो जाकर उस मैजिक पेड़ से कहती है, अरे अरे पेड़ जी मुझे पता चला है कि तुम जो सब पक्षियों को अच्छे अच्छे भोजन देते हो, प्लीज़ मुझे भी ऐसा करो कि मुझे एक पिज़्ज़ा दे दो। अच्छा तो ठीक है गोरी कवि, मैं तुम्हें अभी पिज़्ज़ा देता हूँ, रुको 2 मिनट। जैसे ही गोरी ये बात सुनती है तो गोरी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो पेड़ तो एक हड्डी वाले जूते के साथ गोरी कवि की पिटाई करने वाला है। गोरी कवि जैसे ही उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ हड्डी वाला जूता देखती है तो गोरी हैरान रह जाती है। पेड़ जी मैंने आपको कहा था कि पिज़्ज़े का, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग एक जूता दें।
पेट उस जूते को कहता है, अरे जूते जूते, इस गोरी कवि की खूब पिटाई कर। ये सुनते ही गोरी कवि तो वहाँ से भागने का करती है, लेकिन वो जूता भी ऐसा करता है गोरी के पीछे पीछे, और गोरी की वो खूब पिटाई करता है, गोरी को पीट पीट कर गोरी के पंख खाइल कर देता है। गोरी कवि बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से घर भाग जाती है। ऐसे ही गोरी कवि को वो जादुई पेड़ सजा देता है। मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।